सकते ये भैया खत्ते करा दी इनके वो भैया हमारा कार भैया हमारा कार डिटेल निकलवा ले भैया तो मोबाइल से बात हुई है भैया ने कहा है कि भैया हमने कहा भैया कि आपको रोका गया था क्या भैया हमको टोल प्लाजा पे रोका गया विधायक शासन सत्ते के विधायक थे और उनके गनर ने कहा कि तुम ज़्यादा उड़ रहे हो इन्होंने कहा नहीं मैं क्या उड़ रहा हूँ कहे नहीं तुम ज़्यादा उड़ रहे हो हवा में उड़ रहे हो कहे नहीं भैया मैं कैसे उड़ सकता हूँ कहे तुम अभी चाहेंगे तो दो गोली मार देंगे कहे भैया बिल्कुल मार सकते हैं गोली। मनोज सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना में काम कर रहे थे ठेकेदारी कर रहे थे जो गाँव के अंदर विद्युतीकरण करना होता है उसको लेकर के वर्तमान भाजपा विधायक ने उनको कई बार धमकी दी गुंडा टैक्स वसूली की मांग की कि उनको गुंडा टैक्स वसूली दें जिसको उन्होंने देने से मना कर दिया। इसको लेकर अभी उन्होंने पिछले 10 तारीख को पिपरी टोल प्लाजा पे उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका अपमानित किया और फिर धमकी दी कि जल्दी पैसा पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। बीच में जो उनके पिताजी राजकुमार सिंह ने एक तहरीर दिया है उसमें जो वर्तमान विधायक हैं गोसाईगंज के श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी उस पर ये आरोप लगाया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा वर्तमान उधर गाँव के तरफ उसका मेरा बेटा ठेका लिया था और उसमें वो कुछ रंगदारी वगैरह लोग मांग रहे थे और उन्होंने ये हत्या करवाई है। इस तरह की तहरीर दिया अभी अपराध संख्या धारा में बाद में बता दूंगा घटनास्थल से अभी आया हूँ वहाँ पे मुकदमा अभी लिखा जा रहा है थाना कैंट में तो ये इसमें घटनाक्रम तो सब पे कार्रवाई होगी। फोरेंसिक की टीम कल आ रही है लखनऊ से और इसमें नामजद तो अभी एक ही आदमी है जिनको बताया गया कि इनके द्वारा मरवाया गया और किसी को नामजद नहीं किया गया।